गाइस वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। गाइस आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तारीख है 24 अप्रैल और टाइम हो रहा 3:30 और मैं पहुँच चुका हूँ अपना फरीदाबाद। तो मैं अभी आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाया इसलिए अपडेट नहीं दे पाया, अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। और दोस्तों आगे का ब्लॉग बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और जिस भाइयों ने बेल आइकन प्रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज बात करेंगे ओला उबर के बारे में, ओला उबर में कितनी काम हो जाता है आज पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। आज आप वैसे मेरा अगर आप लोग पुराने हो तो आप डेली ब्लॉग देखते ही हैं और डेली ब्लॉग में आप लोग को मिलता ही है कि क्या हम अर्निंग करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्या दिक्कतें आती है, क्या परेशानी आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम इसी विषय पे बात करेंगे, कुछ बीच में अलग भी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ना मैं अभी तक कितना काम किया हूँ ये बता देता हूँ आपको। अभी तक देखो दोस्तों मैंने जो पहली ट्रिप स्टार्ट की थी मैं करीबन निकला था सुबह कितने बजे निकला था, सुबह 7:30 बजे निकल गया था। ठीक है दोस्तों सुबह 7:30 बजे से अगर बता दूं मैं आपको सुबह कितने बजे है मैं आपको देख के बताता हूँ कंप्लीट। 6:43 से पहली राइड आई है, कैंसिल हो गई है। फर्स्ट राइड आई है करकाडुम्मा छोरा हूँ मैं 7:45 पे पहली राइड आई है, 31 मिनट लगा उसको। ठीक है उसमें मैंने कलेक्ट किया है 347 रुपये और मुझे गाड़ी चली है मेरी लगभग 20 किलोमीटर नेट चला है, टाइम लगा 31 मिनट का, मुझे फेयर दिया गया है 221 रुपये 23 पैसे। देख लीजिए 10 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला भाई। और आपको मैं बता दूं कि भाई ये कहाँ की बजी ड्यूटी, ये कहाँ पड़ता भाई 6:41। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक ड्यूटी बजी वहां से अपना आनंद विहार से एक ड्यूटी बजी है बाहापुर फ्रेंड्स ईश्वर नगर की तरफ 11065 पिन कोड है। वहां की ट्रिप में गाड़ी चली 18.1 ओवर प्रीमियम ड्यूटी था, प्रीमियम में मुझे गाड़ी 18.1 के जो फेयर दिया गया 473 रुपये दिया गया, कैश कलेक्शन था कैश कलेक्शन था लगभग 500 कुछ रुपये था। ठीक है दोस्तों 500 एक सेकेंड मैं बता दूँ आपको, उसमें जो मेरा फुल इन्फॉर्मेशन है जो 567 रुपये कैश कलेक्शन था दोस्तों। उसके बाद फिर वहाँ से एक ड्यूटी बज गई मेरी जनकपुरी के लिए, उस ट्रिप में गाड़ी चली 24.50 मतलब 24.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, मुझे दिया गया 294 रुपये और कैश कलेक्शन आई 347 रुपये। वो उसका दूसरी राइड कैंसिल हुई है, फिर उसका कैंसिल हुई, फिर उसका एक राइड मिली है मुझे हॉस्पिटल द्वारका के लिए सेक्टर 3 विकासपुरी से जनकपुरी जो है वहाँ से। तो उस ट्रिप में मैं जो काम किया हूँ गाड़ी चली 11 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर, फेयर दिया गया 244 और ड्यूटी थी सडान। ठीक है और उसके बाद वहीं से एक ड्यूटी बजी है मेरे को, वो कैंसिल हो गई है संजय इनक्लेव बिंदापुर से, वो दूसरी उसका बजी एक ड्यूटी फरीदाबाद जो मैं अभी फरीदाबाद में हूँ। फरीदाबाद वाली ड्यूटी में मेरे को गाड़ी चली है 45.4 मतलब 46 किलोमीटर लगभग चली गाड़ी, मुझे दिया गया 558 रुपये पॉइंट में 06 और 32 रुपये का टोल प्लस। बडखल फ्लाईओवर के पास फरीदाबाद सेक्टर 21। ठीक है दोस्तों इसमें मुझे 558 दिया गया है और अभी तक मैं यहीं आके वेट कर रहा हूँ, ड्यूटी बज रही है एंड मैंने खाना खाया भी और खाना खाने के बाद मैंने लगा दी गो टू होम दिल्ली। ठीक है दोस्तों और गो टू होम दिल्ली लगाने के बाद देखते हैं अब यहाँ से कितनी राइड आती है आगे, कितनी आगे आएगा मैं बताऊँगा आपको। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैंने आपको आप लोगों को अपडेट दे दिया हूँ और आगे आने वाले सारे डिटेल्स मैं बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर ओला ओवर में समझना चाहते हो कि कितनी बिजनेस है, क्या है, क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जॉब करना चाहिए ओला ओवर में आना चाहिए या कुछ और बिजनेस करना चाहिए, और मैं आप लोग को बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आईबीसी ज्वाइन हो जाओ। आईबीसी बहुत ही बेस्ट बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टेड और रिटर्न बहुत ही हाई है। 34% कमीशन समझ सकते हो ना, किसी बिजनेस में नहीं होता उतना मिलता है। तो चलिए दोस्तों, उस टॉपिक का वीडियो देखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए फटाफट, वहां पे लिंक पर है और उसमें जाके आप चेकआउट कीजिए मेरे दूसरे वीडियो का, दूसरे यूट्यूब चैनल का, और वहां से आप चेकआउट कीजिए उसमें क्या क्या है। और किसी को इंटरेस्ट है आईबीसी क्या है तो मुझे नीचे व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट जाके अपना व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और क्या होता है आईबीसी वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ से कर लिया फरीदाबाद से स्टार्ट, और वीडियो का एंड तक प्लीज बने रहना आप लोग। तो आपका आज दिन भर के क्या ही काम करेंगे, क्या क्या काम कर रहे हैं तो अब तक तो मैं बता चुका हूँ, इस टाइम से कितने बजे तक काम करेंगे, कितने घंटे में कितनी अर्निंग होती है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना आप लोग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं फरीदाबाद से धीरे 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 आज झोल हो गया मेरे साथ। झोल क्या हो गया आज आपको पूरी कहानी बताएंगे, इससे पहले प्लीज चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग को फटाफट मिलता रहे। और मैं आपको दूँ अपडेट, देखिए मैं फरीदाबाद में खड़ा था खाना वाना खा के, उसके बाद वहाँ से ड्यूटी बजी मेरे को साकेत अपना संगम बिहार के लिए। भाई साहब ऐसा कस्टमर था, ऐसा कस्टमर था भाई, क्या बताऊँ, मेरी खुंदक आ रही थी। मतलब पांच सवारी कहाँ से बैठा लूंगा भाई, क्यों बैठाऊंगा मैं, चार के अलावा होते चार बैठाऊंगा। तुमने मिनी बुक की है, सामान भी तुम्हारे पास आठ बैग थे भाई, चार सवारी आठ बैग मैंने कैंसिल कर दी, सही किया ना, कैंसिलेशन फीस तो मिला ही मेरे को, लेकिन कैसे ही किया या गलत किया बताओ आप, कमेंट करना प्लीज। उसके बाद दोस्त फिर मैं क्या करता, वहां से बाहर आया सीएनजी डलवाने बड़खल मोड़ की तरफ, बड़खल मोड़ पे आया, वहां से फिर एक ड्यूटी बजी मेरे को नोएडा के लिए, वहां गया जाते जाते कैंसिल हो गई। फिर वहां से बजी एक ये कहाँ की, नई दिल्ली रेलवे, नहीं नई दिल्ली नहीं थी, कहाँ थी, एक कहीं की थी, और वहां भी टोल प्लाजा पहुंचते पहुंचते कैंसिल हो गई वो भी। भाई इतना खुंदक आया मेरे को, इतना खुंदक आया, मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा, सो जाऊंगा यहीं पर। फिर वापस भी मैंने टोल प्लाजा से यूटर्न गाड़ी ली, यूटर्न लेने के बाद मैं पहुंच गया NHCP मेट्रो स्टेशन के पास। फिर वहां से एक ड्यूटी बजी सीधा रेलवे स्टेशन, मैं वहां गया रेलवे स्टेशन की सवारी पिक की, मैंने पहले पूछ लूँ नहीं तो पता लगे भी कैंसिल हो जाए, फिर पिक किया फिर लेके आ गया। लेके आ गया दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, बस दिन कट गया जैसे तैसे। तो पूरी लंबी कहानी है, बहुत ही लंबा हो जाता है वीडियो, आप लोग का मेन पर्पस होता है अर्निंग देखना, तो मैं आप लोग को अर्निंग बता दूं कि आज की अर्निंग कितनी है अपनी। मंडे का दिन था, मंडे का दोस्तों हुई है 2551, आप देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा होगा, तो 2551 की है 77 पैसे, जिसमें मैं 14 घंटे 22 मिनट ऑनलाइन था, 8 ट्रिप किया और 20 कलेक्ट अमाउंट किया है दोस्तों, मतलब आज की यही अर्निंग है बस। थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद 24-24 घंटे का ड्यूटी करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। काम धंधा थोड़ा सा डाउन हुआ पड़ा है, डाउन क्या है भाई, देखो इस लाइन में ना फ्यूचर मेरे को जहाँ तक लग रहा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना, मेरा जो मानना है फ्यूचर कुछ नहीं है। इससे बढ़िया दोस्त मैं आपको छोटी सजेशन देता हूँ, छोले भटूरे के रेडी लगा लो, समझ रहे ना, छोले भटूरे बेच लो, पकौड़ा तल के बेच लो भाई, इससे शांति मिलेगी, समझ रहे हो ना। इसमें अगर एक पहिया का टायर चला गया ना तो 5000 रुपये खर्चा आ गया, एक बैटरी चली गई तो 5-6-10 हज़ार खर्चा आ गया, इंश्योरेंस साल का 50,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, इंश्योरेंस फिटनेस ये ताम झाम बहुत कराना पड़ता है भाई, ही सुन के ही दिमाग झंझट में आ जाता है मेरा, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें हैं, कुछ भी कर लो यार, पनवारी के काम कर लो, लेकिन इस लाइन में मत आओ। आने वाले कोई नहीं रोक सकता भाई, देखो मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं है, काम इतना है
जितना आप कर सकते हो, घर चला सकते हो, चल सकता है घर, महीने के आप नए गाड़ी ले लो या पुराने गाड़ी ले लो, महीने के आप 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते हो। आपकी गाड़ी फ्री है तो 30 से 35 हजार कमा लोगे, अगर गाड़ी फ्री नहीं है तो 25,000 से 20,000 रुपये कमा सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कमा सकते मेरे भाई। कोई कहता 50,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, भाई मैं हाथ जोड़ के विनती है उस बंदे से कि किसी को बर्बाद ना करे भाई, आप तो कमाओगे नहीं, दूसरे को कमाने दोगे नहीं, ठीक है भाई। तो ये वाली बातें हैं, और आप लोग इस पे विचार कीजिए, समझिए, सोचिए, फिर आइए इस लाइन में, नहीं तो नहीं आइए भाई। मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा किसी को, अन्ना मैं मना कर सकता हूँ किसी को, समझ रहे हो ना, मना करने से कोई कुछ हल नहीं होता है, लोग आने वाला आता ही है और करने वाला करेगा ही, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा ब्लॉग लंबा खींचूंगा नहीं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और दोस्तों तक तो शेयर कर देना दोस्त। जितना आप शेयर करेंगे ना, जो नए बंदे गाड़ी लेने वाले हैं उनको ये बात समझ आएगी, उनको भेजे में बात घुसेगी, तो क्या पता किसी एक दो की ज़िंदगी बच जाए बर्बाद होने से। बहुत आदमी गाली भी देते हैं कमेंट में, दे दो भाई, क्या कर सकते हैं, आपको गाली देने से अच्छा लगता है दे दो। देखो हर काम का दो पहलू होता है, एक विरोध, एक मतलब एक आपका, एक जैसे कहते हैं बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपका अच्छा है बुरा है दोनों चीज आएगा, देखने वाले भी मिलेंगे, आपको विरोध करने वाले भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आती है। मैंने कमेंट भी देखा, बहुत सारे उल्टा सीधा भी लिख देते हैं भाई, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, वो आपकी ऑडियंस है, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें है दोस्तों, कोई नहीं दोस्त, आज के लिए मैं इतना ही कहता हूँ, आगे आपको नेक्स्ट अपडेट में देंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरे से किसी को पर्सनली बात करा था, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक कीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, ताकि इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको मिल लूंगा, व्हाट्सएप पे करेंगे लिंक पे सीधा मेरे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।